कराची में मोटरसाइकिलों का छिन जाना या चोरी होना तो मामूल की बात है। आइए आपको बताते हैं कि कराची में जब मोटरसाइकिल छिन जाती है या चोरी होती है तो उसके बाद उसका क्या हाल किया जाता है। एक ऐसी मोटरसाइकिल जो चोरी होने के 28 मिनट के बाद मिली, तो जरा देखें कि इसकी क्या हालत थी। ये भाई सबसे पहले इसने बैग चोरी की है। शुक्र है मेरी बैग में ट्रैकर था, तो ये ट्रैकर ये रहा, ठीक है। ये मेरी बैग का ट्रैकर है, मैंने अपने मोबाइल में सर्च किया तो ये यहाँ पे मस्जिद का आ रहा था इस जगह का। तो मैंने जब आके देखा तो ये मेरी बैग है, ये मेरी बैग का चेचस है, इसका मेरे पास सारे कागजात है। मेरा टोटल 28 मिनट हुए हैं इस गाड़ी को बंद हुए, इन्होंने सारी गाड़ी खोल दी। ये मेरा सिलेंसर पड़ा हुआ, ये मेरे ये होंडा का, और ये एक्सप्रेस की गाड़ी है मेरी, हाँ ये रहा एक्सप्रेस की, मुझे ये रही मेरी गाड़ी है एक्सप्रेस की। इन्होंने टैंकी वगैरह सब कुछ खोल के, और वो जो लड़का है वो ये, हाँ भाई, और ये मेरे टायर है। हाँ भाई, किस पे कहने पे किया ये काम? किसने ला के दी? किसने ला के दी? जोर से बोल, जोर से, जोर से। हाँ रमेश, रमेश कौन है? लड़का है। ये कहाँ रहता है? एरिया में रहते हैं। कितनी बाइक है इससे पहले तुमने चोरी की है? नहीं, सच सच बताना वरना मैं इधर जान से मार दूंगा। सीधा जा, सफा बोल, सफा बोल, सफा जा। एरिया से मैं सही की दी गई है, सही बात जवाब है। पहली बाइक ला के दी, पहली बाइक ला के दी, पहली बाइक इतने तो तजुर्बे से नहीं खोल सकता। सही बता, सच सच बता, वीडियो खोली हुई है, जल्दी कर। एक एक पहली बाइक खोली है, ये पहली बाइक है। वो जो पहली बाइक खड़ी, वो जो एक और खड़ी, वो किसकी है? वो चेचस, वो इसके बंदे की है, इस बंदे की है। तू ये बता, इससे पहले कितनी बाइकें खोली, ये बता। पहली बाइक खोली? नहीं, पहली नहीं है, क्योंकि 10 मिनट में कोई भी बाइक इतनी जल्दी नहीं खोल सकता है। वहाँ से तुम लोग कैसे लाए हो गाड़ी को? लाख तोड़े क्या किए? क्या पता मेरे को बंदे ने यहाँ। झूठ नहीं बोलना, झूठ मैं झूठ नहीं बोल रहा, बस सही है, सही।